नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्जायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुत्तम मंगलं वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं मंगलमय मंगलकरणवीतराग विज्ञान नमः ताहि आते वहि अरहंताज महान। परम पुरुष निज अर्थ को साज भये गुण वृंद आनंदामृतचंद को वंदत हूँ सुख कंद। ओम नमः। अनर्थ दंडों की चर्चा अनर्थ दंडों के त्याग के लिए है। अनर्थ दंड के त्याग के बिना अर्थ की सिद्धि अर्थात प्रयोजन की सिद्धि कैसे संभव है? इन अनर्थ अनर्थ माने तुम्हारी लौकिक भाषा में कहें फालतू के कामों में समय शक्ति बुद्धि जब चली जाएगी तो अपना हित कब करोगे? फालतू के विकल्पों में लगे रहोगे तो आप तत्विचार क्यों करो? जैसे लड़का खेलता रहे अखबार पढ़ता रहे वो टीवी देखता रहे तो पढ़ेगा कब ये बता? इन अनर्थ दंडों के त्याग की विधि कहते हुए क्या कहा था? धर्म ध्यान का लक्ष्य बनाए तो अब ध्यान अपने आप छूट गया। सभी ने क्या चर्चा की थी अपन ने? बुद्धि पूर्वक उद्यम पूर्वक तत्व विचार करे तो विपरीत विचार अपने आप कैसे आएंगे? एक साथ दो तो चलेंगे नहीं। निर्णय हमारी दिशा बदल देता है। निर्णय हमारी दिशा बदलना, हम निर्णय नहीं करते, ठीक है ये भी ठीक है, हम मान रहे सो भी ठीक है। अरे नहीं भाई, ये ही ठीक है, हम जो मान रहे वो ठीक नहीं। कार्य योग्यता अनुसार होगा, उसमें बाहर की व्यवस्था में सारी उदय की व्यवस्था है, उदय प्रमाण निमित्त अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त में तुम्हारे परिणाम पुरुषार्थ विनय भक्ति सेवा ये सब काम देंगे। समझ में आया? ये चर्चा तुम्हें कही थी, वो आहार करने से भूख नहीं मिटेगी, आहार दान से भूख मिटेगी ये समझ लो, बल्कि आहार त्याग से भूख मिटेगी ये और समझ लो। चलो अब तीन टुकड़े कर रहे हैं तो तीन ही टुकड़ों के अलग अलग अर्थ करो। आहार करने की जो ग्रद्धता है वह तो तुम्हारी भूख को बढ़ाने वाली है। आहार करने की जो ग्रद्धता है, ये खाऊं और खाऊं, मैं खाऊं मैं ही खाऊं मैं ही खाऊं, ये तो खाने से बंद सब होता है। नरक गति में त्रियंच गति में कितनी भूख लगती है। आहार की ग्रद्धता आसक्ति वह तो तुम्हारी भूख को बढ़ाने वाली है। आहार दान, आहार में संतोष विरक्तता उदासीनता पूर्वक निष्प्रहता सहित आहार करने की जो प्रक्रिया है वह तुम्हारी आहार भूख को घटाने वाली है। यहाँ कितनी भूख लगती है और देवगति में फिर कितनी भूख है? बोलो, भोग भूमि में कितनी भूख है? काटी के बड़ी बोला। दान से आहार दान से आहार के संबंध में संतोष भाव से उदासीन भाव से जो पुण्य बंधा उस पुण्य से भूख घटती है। भोग भूमि में कितनी भूख लगी, कितने दिन बाद भूख लगती है उसको इतना आहार, और स्वर्ग में सागरों की आयु हजारों वर्ष में भूख
और सो भी कन से अमृत झड़ेगा कुछ नहीं, खत्म हुआ। जो अनाहारी स्वरूप में संतुष्ट रहते हैं, शुद्ध आहार, योग्य आहार, इसको नियम सार जी में क्या कहा, भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखे गए, श्रावकों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखा गया आहार, उससे भी जो अत्यंत उदासीन है, बनवा करके कह करके करवाना वो तो बहुत दूर की बात है, मांग करके खाना, मंगा करके खाना, ये तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन अंजलि पूर्वक भक्ति पूर्वक रखे गए आहार से भी वो जो उदास हो रहे हैं। भरतेज वैभव की वो लाइन सुनाओ, बढ़िया लाइन है, बढ़िया लाइन। रानियों ने आहार भरत को दिया, भरत ने आहार मुंडाज की अंजलि को में रखा, और मुंडाज ने उसको शोध करके शरीर में डाल दिया, हे शरीर ये तुम्हारा आहार है, तुम ग्रहण करो और हमारी साधना में सहायक हो, और स्वयं अतीन्द्रिय आनंद रस में तृप्त। क्या सुंदर विधि है, कमा करके बना करके और मांग करके खाना पीना, ये तो बहुत निंदनीय है। निचली भूमिका की बातें हैं साहब, अन्याय पूर्वक अनीति पूर्वक चाहे जैसे चाहे जहां का, वो तो बहुत लजाने वाला कार्य है। क्या अब घर नहीं तो बाजार से ही ले लो, चाहे वहीं खा लो, चाहे जैसे खा लो, चाहे कुछ खा लो, हैं चाहे, वो तो बहुत लजाने वाला कार्य है। श्रावक की भूमिका में न्याय पूर्वक कमाया गया होगा, यत्नाचार विवेक पूर्वक बनाया गया होगा, है बात्सल्य पूर्वक खिलाया गया होगा और निस्लयता पूर्वक खाया गया होगा, तब वो संयम में निमित्त होगा। क्या कह रहे हैं, जो शुद्ध आहार है वह तो वह भी संयम में निमित्त तब होगा जब इतनी बातें होंगी कम से कम। अधिकरण का आहार और उद्दिष्ट का आहार मुख्य रूप से मनुष्य मुंडाज की भूमिका में, वो साधना का निमित्त कैसे बनेगा। तुम्हारा भी चाहे जैसे आहार आ गया, चाहे यहां से चाहे जैसे, न्याय न्याय कोई पूछने वाला नहीं, बढ़िया, वो बढ़िया ले आओ, बढ़िया ले आओ। आपका धर्म ध्यान इसलिए नहीं हो पाता, मन इसलिए उड़ता है, गाड़ी हम तो दृष्टांत देते, गाड़ी में भी खराब पेट्रोल नहीं डल सकता तो जहां खराब आहार कहते हैं। अपनी बुद्धि लगाओ कि भैया कछु नहीं, अपना पेट्रोल की जगह डीजल डाल दे, डीजल की जगह मट्टी का तेल डाल दे, सरसों का तेल डाल दे, और कोई ज्यादा अभिमान में हो, अरे अपन तो घी डाल रहेंगे, घी से चलाएंगे, कैसे चलेगा, ना कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा, दुर्विकल्प। उस गाड़ी में जैसा पेट्रोल पड़ता है वैसे ही पेट्रोल पड़ेगा, ऐसे साधक दशा में जैसा आहार होता है सात्विक आहार, वैसा ही आहार होगा तब तुम्हारी मन चल धर्म ध्यान में लगेगा, और नहीं तो जिन्हें विकल्पन में उजी रहोगे, जाने ऐसो बने ऐसो, जे ऐसो बो ऐसो, हैं और ऐसो अपन कर लें, जामे जी कर लें, आज जी कर लें, कल भी कर लें, और लगे रहोगे दिन भर सवेरे संजा रहो और रात रोज ध्यान करती रहोगे। अब ध्यान से बचने के लिए धर्म ध्यान का संकल्प करना चाहिए, पहले नंबर की बात है, संकल्प बिना नहीं बच सकते। भैया सुनो, कल हमारा उपवास है, अब कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं कहेगा, और वैसे ही बैठ गए तो चलो कछु ले लो, अब देर भैया, फिर गर्मी बढ़ी है, अब हम बैठे हैं, सब जने बैठे हैं, चौका धरो है, और आज हम कल हमारा उपवास है, बस खत्म मामला, फिर तुम फेरी हम फेरी, समझ में आता है कि नहीं आता। संकल्प शक्ति बड़ी चीज होती है,
जरा जरा की बातें नहीं छोड़ पाते हो हैं? चैन स्मोकर माने एक एक लाइन से पीने वाला, सैकड़ों सैकड़ पी जाने वाला, और एक झटके में छोड़ दी उसने, एक झटके में मुंह सूज गया, पेट साफ ने, कुछ भी हो नहीं, धैर्य रखा, भक्ति करी और चार दिन में नॉर्मल हो गए। अभी क्या पढ़ रहे थे ऊपर, अंतिम लाइन बताना। मिथ्या कल्पनाएं तुम्हारी उलझन को बढ़ाने बढ़ा करके अशांति की ओर ले जाने वाली हैं। तुम्हारी अटकलें, मिथ्या कल्पनाएं, दुर्विकल्प तुम्हारी अशांति को बढ़ाकर, वो कहना उलझनों को बढ़ाकर अशांति की ओर ले जाने वाली। बोले महावीर जयंती के लिए वो नीति हमने कही, हमने ये तो हम नीति बात है, फिर हम जिज्ञास लिखने लगे। सर्वी जीव समान है, इसलिए दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए इष्ट हो। प्राणी मात्र के भगवान ने क्या कहा, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद, प्रमोद माने, प्रमोद माने उत्कृष्ट हर्ष भाव, विनय भाव, सेवा भाव, दान भाव। योग्य विनय, सेवा और दान ये मैत्र प्रमोद में है। दुखी जनों के प्रति, दुखी जीवों के प्रति, जनों के प्रति नहीं, जन में खाली आदमी आया, दुखी पशु के प्रति, एक इंद्रिय के प्रति भी करुणा भाव। जन और जीव में अंतर है, निर्जन तो स्थान और निर्जन स्थान में अंतर है। जंगल निर्जन तो नहीं है, निर्जन है, आदमी नहीं है वहां, पशु तो तमाम है। तेरी आयु पूरी होने का काल आएगा तो ज्यादा से ज्यादा देह का भक्षण करेंगे, तेरे धर्म को बिगाड़ने वाला कोई नहीं है वहां। और यहां तो धर्म रतन के चोर चपलत दुर्गत पंथ सहाय, इसलिए ये लौकिक मोही जीवों के संग से गए हटे और निजन तो मैं नहीं डरे। उनमें क्या, ये तो हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए निमित्त है। भगवान विकराग हैं, सर्वज्ञ हैं, अपनी मनमानी पाप प्रवृत्तियों को छोड़कर उनकी उपासना करे, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करे तो ही सुखी होता है, भव दुख से छूटता है। जैसे रोगी वैद्य का विश्वास करके अपने इलाज को भली प्रकार समझ करके योग रीति से औषधि का सेवन करे तो ही आरोग्य लाभ होता है उसको, नहीं तो नहीं होगा। ये थोड़ी वैद्य जी के हाथ जोड़ो पांच छोरे सो ठीक हो गए, वैद्य आशीर्वाद, हमने आशीर्वाद का सुंदर एक अर्थ बताया था आपको याद है। दुर्योधन माँ के पास पहुंचा, गांधारी के पास, माँ युद्ध के लिए आशीर्वाद, मालूम है गांधारी ने क्या आशीर्वाद दिया, या तो धर्मस्थ हो जाए जाओ, जब तेरा पक्ष मिथ्या है तेरी जीत नहीं होगी, ये तो धर्मस्ततो जय, ये आशीर्वाद। ये दुष्टर धर्मराज धर्म के ऊपर है, उसकी जीत होगी, तेरी क्या जीत होगी, हम कैसे कह दें, और हमारे कहने से वो कैसे जाएगी। मनमानी पाप प्रवृत्तियों को छोड़े बिना भगवान की दिखें प्रदर्शन के लिए अभिमान से, रूढ़ी से, देख पढ़ करके, सुन करके, गा करके, रिझा करके, महंगे महंगे अपने छत्र चमर लगा लगा करके, वो बना करके कोई सुखी होना चाहे, नहीं हो सकता।
मैं वैद्य को चाहे तुम कछु करो, लेकिन अगर वैद्य की बात नहीं समझोगे तो कैसे ठीक होगे? नोटों की गड्डी भेंट कर दो, सोने का हार भेंट कर दो, इससे क्या हो जाएगा? जब जीव अपने सम्यक परिणाम से सुखी होते हैं तो देव वितरागी, देव निर्गंत, गुरु अहिंसा, स्यादवादमयी, जिनवाणी, जिनोपदेश, ये निमित्त मात्र है। और स्वयं नहीं समझोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या करें? तो समझ गए क्या कह रहे हैं? संकल्प से एवं भूत तक चलो, मतलब ये है संकल्प करो, ये भव केवल भव के अभाव के लिए और किसी के लिए नहीं है। बीच में मोह के उदय से आने वाले विकल्पों को बाधक जानो, रास्ते के रोड़े जानो। ये कहां से आफत आई? इतनी देर और लग गई, फाटक बंद है, अब क्या करें? अब बंद फाटक में चलोगे तो है नहीं, रुकोगे तो है, लेकिन मजबूरी है। कुतवाल से मारने के लिए पकड़े गए चोर की भांत अपनी निंदा करते हुए, गरहा करते हुए, जैसे कोई मोही प्राणी पाप के उदय की प्रतिकूलता को भोगता है, रोगों को भोगता है, ऐसे ये पुण्य के उदय के भोगों को भोग रहा है। कैसे कैसे भोग रहा है बोलो? अरे लाइन नहीं बोल पा रहे। कोतवाल से पकड़े गए मारने के लिए पकड़े गए चोर की भांत अपनी निंदा करा करते हुए पुण्य के उदय के भोगों को भोग रहा है। और कोई लाइन सुना है तो मैं बोलो, बैराग भावना में से पढ़ लो। बीज राख फल भोग वे जो किसान जगवान, क्यों चक्री न पर। बोलो आप क्या कर रहे हैं? अरे पहले तो बीज रखे हैं, आचरण में कमजोरी हो लेकिन श्रद्धा तो मजबूत है। इनमें सुख नहीं है, ये हमारे भोग नहीं है, भीतर में ये ऐसी श्रद्धा बैठी मजबूत। बीज नहीं खो, श्रद्धांत थोड़ी चलाया गया है। सुख नहीं मनवा सकता कोई उनमें, क्यों? उन्होंने सुख देखा है, सुख का मार्ग देखा है। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, उनकी श्रद्धा है। अब बीज को कैसे बीज को खत्म कर देंगे? बीज राग फल भोग हुए माने श्रद्धा को रखते हुए फल भोग रहा है। अब बताओ उसमें हे पना आएगा कि उपाधि पना आएगा? श्रद्धा में हे है कि उपाधि है? और फिर भी धर्म विसारे न, अपने लक्ष्य को नहीं विसारता, अपने धर्मात्माओं को नहीं विसारता, उस धर्म भावना को नहीं विसारता, उनकी निंदा गरहा करता है और बैराग भावना बहाता है। कब दिन आवे, कब स्वरूप में लीनता हो और ये प्रवृत्ति छूटे? हे प्रभो, इस आहार के विकल्प को धिक्कार है, जिस विकल्प के कारण जंगल से फिर नगर की ओर जाना पड़ रहा है। वह घर छोड़ करके घर की डेयरी लांगनी पड़ रही है। अपने घर नहीं छोड़ो, दूसरे के घर की डेयरी लांग रही कि नहीं? जिसके कारण ऐसे अंजलि बाने खड़े हो गए। बेकार है इस आहार के विकल्प को, कब छोड़े जी बैठे? कछु नहीं, रमोरमदार नो सुधार खा ले मन मलिन करके, रूढ़ी पटक गई। अरे रूढ़ी पटकते हो? जिस प्रकार पंच परमेश्वरी भगवान अना आहार के विकल्पों से रहित हुए हैं, ऐसे ही हम भी कब आहार के विकल्पों से रहित हुए? आहार करते समय भी पंच परमेश्वरी भगवंतों के बोलो वचनों का अनादर न हो जाए, अवक्ष भक्षण न हो। और ये आहार संयम के लिए हो हमारा,
ऐसे ऐसे कर भी उंगलियां चला भी से काम नहीं चले वो खाली, ना मुंह चला भी से काम चले वो, कहा है हूं हाँ करे हो मोह ने कहा है वो मतलब। जब तक आसक्तता नहीं टूटेगी, मुंह से नहीं बोलोगे तो इशारों से बोलोगे, वो आसक्तता टूट गई तो बोलते हुए भी नहीं बोलोगे, निषेधने के लिए बोलोगे, विधि के लिए नहीं बोलोगे, अब नहीं, बस इतना कह दिया अब नहीं, और लाज ये नहीं बोलोगे, नमक लाना थोड़ा ये नहीं बोलोगे, अब नहीं भैया लड्डू ना, अब इतना बोलोगे भी तो निषेध के लिए बोलोगे। आसन्न भव्य जी भरत महाराज के पुत्र बोले भी तो कैसे बोले, जैसे से दीक्षा प्रदान करो ये बोले, महाराज पुण्य के उदय में ये कहां का उदय आ गया, हमारे ये बच्चे गूंगे हैं। बोले गूंगे नहीं है मौन है, अभी बोलते हैं। तो बोले प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो, वाह बोलो तो ऐसे बोलो। परमाणु मात्र मेरा नहीं, एक व्यक्ति का अंतिम समय है और तबीयत खराब हो रही, डॉक्टर आया, पुरानी बात है, डॉक्टर आया तो उसने कहा एक काम करो, इनको वो ब्रांडी बोल देती थी सर आपको, इनको जरा डाल दो सो जाएंगे नशे। तो उनकी पत्नी खड़ी थी, बोले नहीं ये नहीं पियेंगे, दूसरे बड़ी आप दे दे, कोई कहे नहीं, अरे तो बिन से ही पूछो, अभी बोल तो पा नहीं रहे थे। तो उनकी जोश गई, काहे ये डॉक्टर तुम्हें जी दे रहे हैं आप ले गए नहीं, बस नहीं, इतनी ताकत थी इसके लिए। परती है देखन अंध, अंधे हो जाओ, खूब कथा को सुनने के लिए बहरे हो जाओ, ये सब अनर्थ दंड है। अयोग्य वचन बोलने के लिए गूंगे हो जाओ, अयोग्य स्थानों में जाने के लिए पांगुले हो जाओ, बिना हमें पांव नहीं हम कैसे जाएंगे। हमारा है ये शरीर वरी जो कुछ भी है, योग के लिए है, मोक्ष मार्ग के लिए है, और के लिए नहीं। सीता जी मैं मूर्छित हो गई, का कह करके राम मिले तो कहना, जनक सुता का जीवन केवल राम के लिए, राम तक के लिए है बस, और किस मूर्छित हो गई। बराबर सोचने लगा हाय हाय इस महाशक्ति को मैंने व्यर्थ ही कष्ट दिया, कैसा कर्म के बसीभूत हो गया, धिक्कार है मुझे, अब मैं क्या करूं, अब तो युद्ध तो करूंगा ही क्यों, लोग क्या कहेंगे, जी डर गया कायर हो गया, अब राम को जिंदा पकड़ करके फिर मैं लड़की की तरह इसकी विदा करूंगा, मैंने इसको राम को सौंपूंगा। देखो अभिमान ले गया जाकर के नरक में, उसके परिणाम का तो थोड़ा उसको पश्चाताप हो, लेकिन अभिमान ले गया। अगर गलती समझ में आए तो अभिमान आड़े आता है छोड़ने के लिए, अब हमने कह दिया अब कैसे बदले, अच्छे हैं, गलती समझ में आती है तो शिष्ट पुरुष का लक्षण है, शीघ्रता से उसे स्वीकार भी करता है और उसे दूर भी करता, सुधार भी करता है। दुष्ट पुरुष न स्वीकार करता है न सुधार करता है, बस कुछ नहीं। हम कहे आत्मकथा लिखना या निष्कपट आलोचना करना बड़े साहस का काम है, ज्ञानियों का काम है, आदि छिपाओगे आदि कहोगे और मूल बात नहीं कहोगे, बे कहेंगे तब क्यों, क्या कह रहे वो गलती हो गई, वो हमने नहीं समझी, वो फलाना हो, बे कहेंगे तब, और फिर जब करें दवा के पूछेंगे तो जैसे निबुआ को मस्को तब रस निकलते,
गन्ना निबुआ बानिया गलमस का रस दे, ऐसे ये कोई तरीके, ये कोई श्रेष्ठता है, ये कुटिलता और दुष्टता है। निष्कपट भाव से आलोचना करना चाहिए, बिना कुछ छिपाए हुए। हमने कहा था संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, इस लाइन का अर्थ कैसे किया था हमने, ये संतों का मार्ग इष्ट है, गाते हो निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से प्यारा, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें प्यारा है तो कुछ भी छिपाने की वृत्ति छोड़ देना चाहिए, आज से नियम ले लेना चाहिए कि कुछ भी छिपाएंगे नहीं। छिपा छिपा करके निर्ग्रंथों का मार्ग कैसे मिलेगा तुम्हें, सीधे सच्चे आदमी को वकील घुमाना भी चाहते तो वो घूम नहीं पाता, वो सीधी बात कह देता है, सीधी कह देता, वो क्या करे, वो जानता ही नहीं। मजिस्ट्रेट की को वहां खड़ा क्यों, कितनी बड़ी दुकान है, तो भाई है साहब 20x30 की। अब वकील साहब कह क्या करता, और साहब एक पीछे हॉल है, हॉल के बताता है, मैं वो आंख दिखा रहे, और मजिस्ट्रेट दोनों को देख रहा, कितनी दुकानदारी होती है, कभी साहब 2000 की, कभी 5000, कभी 20000 की भी होती है, 20000 क्या कहता है। मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा, बाकी साहब उसको बरगड़ाओ मत, वो सच्चा आदमी है, कहना पड़ा मजिस्ट्रेट को, उसको घुमाओ मत, बरगड़ाओ नहीं। और जैसा उसने कहा सेठ ने, वैसा की वैसी उसी हिसाब से उन्होंने फैसला दे दिया, बरगड़ा मत उसको। कोई अगर मतलब भुलावे में डालने की कोशिश भी करे तो वो नहीं करता, अपने को ठग नहीं सकता, किसी को नहीं ठग सकता। निष्कपट आलोचना, प्रवचन सार जी ने निष्कपट आलोचना लिखा कि नहीं। अब आलोचना करने में भी तुम्हारा कपट है, हमें प्रतिक्रमण करने और का करने, कछु नहीं आदो करने, आदो नहीं करने, और जो बातें है सो वो कहना नहीं है, तो कह की आलोचना है कका, हम कछु कह रहे भैया क्या आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, क्या हमें गुरु बने में कुछ शौक है, धर्म ध्यान का लक्ष्य बनाओगे तो अब ध्यान नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्या कहा था, अगर धर्मोपदेश में मन लगाओगे तो पापोपदेश से बच जाओगे, ना तो तुम्हें पापोपदेश सुहाएगा और ना किसी को पापोपदेश तुम दे पाओगे। कब, जब धर्मोपदेश में मन लगाओगे तो। पापोपदेश नाम का अनर्थदंड है, अरे हो अनर्थदंड पापोपदेश नाम का, उसका नाम क्या भी है उसे कोई मतलब नहीं, झूठे कहते जो बता दे, झूठे कहते। तीसरा पापोपदेश है वो अनर्थदंड है प्रमाद चर्या, कैसे छूटेगी, धर्म कार्यों में उत्साह जितना आएगा प्रमाद नहीं आएगा। इस ब्रह्मचर्या को छोड़ने के लिए धर्म कार्यों में, धर्म का चाहे उपदेश सुनना हो, चाहे दर्शन करना हो, चाहे संगति करना हो, चाहे दान पुण्य करना हो, ये व्यवहार धर्म की बात है, बहुत उत्साह। दान दे मख, हा हरक विशेखी, हरक विशेखी का क्या अर्थ है, हरक विशेखे विशेष अर्थ का क्या अर्थ है, जैसे कह रहे कि तुम गलती ना हो जाए, हम कह रहे हम नीचे बैठे जा, तुम यहां बैठ के सुनाओ भैया, कहो तो सही, बोलो तो निशंकता से,
अब जितने हैं श्रोता होते हैं, हम ज्यादा कहां से ले आओ बता। हम तो खुद ही श्रोता है, खुद ही भक्त हैं, हम तो जी जान रहे। अकवकाश क्यों? विशेष का मतलब अधिक, कैसे अधिक? जितना लौकिक कार्यों में हर्ष होता है उसका। अब जी जो कह रहे थे कुछ समझ में आ पाया? स्वयं भोजन करने में जितना हर्ष होता है, भोजन कराने में उससे अधिक हर्ष होना चाहिए। जैसे कोई हमें आदर करे तो हर्ष होता है, ऐसा ही हमें अपने गुरुजनों का आदर करने में उससे ज्यादा हर्ष होना चाहिए। हमारा आदर करे कितना अर्थ होता है हमको, तो उससे ज्यादा अर्थ हमें अपने गुरुजनों का, जितना सुनाने में अर्थ होता है उससे अधिक सुनने, हाँ सुनने में उतना अधिक अर्थ होता है। उससे अधिक अर्थ विचारने में होना चाहिए, भेद ज्ञान करने में और अर्थ, और स्वानुभव की भावना कितनी उमंग होना चाहिए। कैसा अर्थ? दृष्टांत बोलो, जैसे उस मेढक को समोसरण में जाने का अर्थ हो रहा था, महावीर जिनेन्द्र के समीप जाकर के पूजा करेंगे, ऐसे भुदक के चल रहा था पंखुड़ी लेकर के, यदर्चा भावेन क्या शब्द है, प्रमोदित मना दर्द रे, प्रमोदित मना हर्षित मना, विजय की का अर्थ ही है विशेष, उससे अधिक। जैसा अर्थ वहां होता है ऐसा अर्थ यहां आना चाहिए। धन की आमदनी में जितना हर्ष होता है, साम्य भाव की आमदनी में उससे अधिक हर्ष होना चाहिए। खोए हुए बेटे को माँ मिल जाने में, माँ को बेटा मिल जाने में जितना हर्ष होता है, उतना आत्मा मिल जाने के लिए हर्षित होना, उतना ही चिंतित रहें कैसे मिले, कहाँ गया, क्या हुआ, सो गए, भूल गए थे हम। अरे तुम ऐसे भूलने की बातें होती कहीं? वहां तो त्याग धर्म का प्रसंग था, इसलिए दान दे मना रख किसी के लिखा। अब जहां जो प्रसंग हो उसमें लगाना चाहिए। दर्शन कर मन हरख विशेष, अब ये शब्द नहीं लिखे तो दूसरे लिखे, मोर हरस ऐसो भयो, मानो उलकंत नयन चकोर पंछी असत उर इंद्रिय वरो दुर्बोध चक भी बिलख विचरो निबिड़ मिथ्यारो। माने ये कवि जो स्तुतियां भक्तियां लिखी हैं कौन से नकल नहीं उतार दी, वो तो हुआ है जो लिखा का बात है, इतने प्रसन्न का बात का है, कभी क्या कह रहा है, सांची कहे कि झूठी कह दे वैसे ही, अरे कि सांची कहो कि सांची कहूं खोई निधि मुझको मिल गई जिसको पाकर मन की कड़िया खिल गई। सच्ची बात तो है, क्यों आज ए सीते आज तू बड़ी प्रसन्न है, आज मुझे वही पति का समाचार मिला है, कि पागल हो गई, यहाँ कहाँ पति और कहाँ, तो देख दिया अंगूठी लगी, उस राम शब्द को देख करके इतना हर्ष हुआ मानो राम मिल गए हो, आप मिले मानो मिली मुक्ति ही साक्षात, नित्य मुक्त शुद्धात्मा अंतर हुआ प्रत्येक। हर्ष है तो मन में भी हर्ष है, वाणी में भी हर्ष है, और रोम रोम में हर्ष है। हर्ष की मुद्रा अलग होती है, हर्ष के आंसू अलग होते हैं। वे आंसू
अंजुली में भर जाए हैं, चिड़ी कबूतर पी जाए हैं, लिखा है ज्ञानानंद साहब का चार में, हर्ष के आंसू ऐसे निकले, ऐसे अंजुली में भर गए और चिड़ी कबूतर आकर के पी गए। मैंने एक काव्य की है कल्पना तो देखो, उत्पेक्षा अलंकार देखो यार कैसा है। सकल कर्म फल संन्यास की भावना भाता हुआ ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ, ऐसा तृप्त हुआ मानो साक्षात केवली हो गया। बताओ भावार्थ में क्या लिखा टीका में जयचंद जी ने, क्या लिखा? और यह कथन अयोग्य भी नहीं है। क्यों? कैसी भी दीजिए तो केवली हो गए। हेलो लुप्त महामोह समस्तो मम जयत दय प्रकाश ये जगत तो है मने कांत मय मह। इसने केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा उत्पन्न शुरू की है। मंदा देखो तो क्रीड़ा मात्र में जिन्हें मोह का नाश कर दिया है। समझ में आया? परमाचर्या को छोड़ने के लिए क्या जो हर सहित कार्य होगा, प्रयोजन पर दृष्टि, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन होता है। अगर ये लक्ष्य होगा तो प्रमाद नहीं आएगा, ठीक है ना? ये अंतरंग के प्रमाद के अभाव की बात हो गई। जितना जितना अर्थ बढ़ता जाएगा उतना उतना प्रमाद छूटता जाएगा। बाहर में समय की अवहेलना मत करना कभी। चल रहे अब देखते हैं भाई, चले यार कुछ नहीं। समय की अवहेलना मत करना, ध्यान रखना जो समय स्वाध्याय का या पूजा का या जो कुछ भी होता है वो वहां पहुंचने का होता है, घर से चलने का नहीं होता। गाड़ी का समय 3 बजे, घर से चलोगे 3 बजे तो गाड़ी मिलेगी? बतावा घर से चलने का समय क्या बजे है बोलो। अरे जो कोई बात रही, अगर 6 किलोमीटर दूर है तो 2:45 बजे का करोगे, 1 बजे पहुंचोगे? माने वहां पहुंचने में हम कितने दूर पहुंचे? शिखर जी कितनी दूर है कि हम कहां बैठे हैं यहां से बोल रहे? कानपुर वालों के लिए कितनी दूर है, आगरा वालों के लिए कितनी दूर है, दिल्ली वालों के लिए कितनी दूर है, अहमदाबाद वालों के लिए कितनी दूर है? माने हम शिखर जी से जितनी दूर है उतना शिखर जी दूर है। परमाचर्या के अभाव के लिए क्या समय की अवहेलना मत करो। अंतरंग में अपने उपयोग का स्थान क्या है, कहां है उपयोग का स्थान? कोई चश्मा ऐसे हाथ में लगा ली तो कैसे लगेगा? यहां लगाना पड़ेगा हाथों, बोलो आप। अब आभूषणों की बात अलग है, हैं? कुंडल को कान में पहना जाएगा, हाथ में थोड़ी लटकाओ। मुद्रिका को उंगली में पहनोगे, पांव में थोड़ी पहनोगे। जहां जिसका जो स्थान है वही शोभता है, तो उपयोग का स्थान कौन है बताओ? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, यहां शिष्य का स्थान कहाँ है, कहाँ शोभता है? स्त्री का स्थान कहाँ है? पति के साथ सोएगी, अगर शोभेगी, शोभा होगी उसकी, अगर क्या किसी के संग जा रहे कौन के संग है, जिको है? जवाब देने पड़े, सोचने पड़े। शोभा काय के लिए? सुलवती नारी की शोभा पति के साथ में। इसे ज्ञान की शोभा क्या है तुम्हारी? काय की शोभा? काय ये माथे की शोभा काय है? जब वितरा के चरणों में झुकेगा, गुरुओं के चरणों में झुकेगा। ये और तभी यो शोभ शोभित तत्वों की चर्चा हो, साम्य भाव जिस चेहरे पर
वह चेहरा शोभा। तो बताओ अब इन सबका स्थान तुम यहाँ रख दो जैसे शास्त्र तो कैसे लगेगा, बताओ कैसा लगेगा। इन बच्चनों को तुमने कागज पर उतार दिया तो कागज पर तो लिख ही धरे हैं, हृदय में उतारो। ये जो लिखे वाक्य हैं वो लखने के लिए हैं, विरक्त होने के लिए हैं, और उन्हीं ने लिखे हैं जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने लिखा है उन्होंने लिखे हैं, और हमारे लिखने लखने के लिए लिखे हैं। लखना माने देखना। तो ब्रह्मचर्या का मतलब क्या है, भी कथा में समय मत गुमाओ। एक प्रमाद की एक ये भी परिभाषा समझ लो, कुशलेशु अनादर, कुशलता में अनादर भाव प्रमाद, ठीक है कहा, हो न्याय। चाहे या चाहे जो चीज छोड़ देना, लोक में कहते बड़े प्रमादी है। तो अपना उपयोग का स्थान कहाँ है, निश्चय से कहाँ है, व्यवहार से कहाँ लगाओ। ज्ञानाभ्यास में उपयोग लगाओगे तब काम चलेगा, कि विकथा में उपयोग लगाओगे तो काम चलेगा। तो ब्रह्मचर्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नंबर एक धर्म कार्यों में बहुत उत्साह, समर्पण भाव। दूसरा बोलो समय की अवहेलना कहीं नहीं करना, इसका पूरा बाकी बोलो। सारे कार्य समय पर करो और भेद ज्ञान हर समय रखो। सारे कार्य समय पर और वेद विज्ञान हर समय। धर्म का कोई समय होता है, हर समय एवर रेडी, पता नहीं कब दे चुड़िया अगली सांस आए कि नहीं आए, श्वास श्वास में सुमिरन कर ले। अब देखेंगे, अब सवेरे देखें, अब कल करेंगे, अरे कल ये कोई बात नहीं, प्रमाद है ये। अब हमें नींद आ रही, अब हम क्या करें, अच्छा नींद तो आएगी। जिस बच्चे बालक का, जिस माँ का बालक बीमार हो उसे नींद आएगी, जिस बालक माँ बालक अभी आया नहीं है, खो गया तो नींद आएगी, अवेल आओ ही नहीं। उस दिन वो बोले कि वो आ रहे थे चाचा, उनका खबर आ गई हम आ रहे, 12:30 बजे तक जगते ही रहे, जब भी आ गए तो बार खोले फिर अब सो जा, अब सवेरे बात करें। प्रमाद प्रमाद हाहा प्रमाद सताई, समय की अवहेलना मत करो। दूसरा बोलो है यथा स्थान वस्तु, जहां की तहां जैसी की तैसी, यथा स्थान तू पत्ते बिल छानी डाते ऐसे डाते, तो ये प्रमाद कहेंगे कि नहीं, ऐसे ये समझो कौन कैसे करना सावधानी से, जैसे वो बिलछानी का पानी फैल न जाए बीच में, ऐसे हमारा उपयोग फैल न जाए। अंतरंग के साथ बहिरंग और बहिरंग के साथ अंतरंग, नीचे राग द्वेष निर्वार ज्ञाता दोनों दान समारे, ईलवार नो राग ब्रह्म भाव अंतर लखो। बहिरंग प्रमाद और अंतरंग प्रमाद उड़ाई उड़ा दी, अब आज ठीक कर लिए, आज सफाई कर लिए। हिंसा में प्रमाद पर्णति मूल है, प्रमादी जीव हिंसक है, भाव हिंसा भी है और दब हिंसा भी है। अहिंसा का मार्ग है, अहिंसा के मार्ग में
इस प्रकार का प्रमाद शोभता नहीं है, कलंक है, शोभने की बात नहीं, कलंक है। बाधवा की परमाचर्या के जो विषय लिखे हैं आप पढ़ो, प्रमाद छोड़ने के लिए कैसे छोड़ें, कैसे कैसे प्रमाद आता है। जिस चिंतन से प्रमाद आता है वो चिंतन छोड़ना चाहिए। कथाए के बाहर से भारी वो प्रमाद है, यही तो कहा कथाए के बाहर से भारी, तीव्र कथाए को प्रमाद में कहा है। तो जी कषाय के बाहर से भारी नहीं, ज्ञान से निर्भर, बोझा मत रखे रहो, नहीं तो परमाचर्या होगी। प्रमत्त गुणस्थान, अप्रमत्त गुणस्थान, ये तो मुंडाजों की चर्चा थोड़ी आ गई तो कहते हैं ध्यान रखना। प्रमत्त गुण स्थान में ये सारी समितियां अधिक होती हैं, होती हैं। यहां प्रमाद का स्थूल अर्थ मत ले लेना, चलने में प्रमाद नहीं है, चलना स्वयं प्रमाद है, ये कह रहे। बोलने में प्रमाद नहीं है, जल्दी जल्दी में चाहे कुछ बोल गए, चाहे जैसे बोल गए, बोलने में प्रमाद नहीं है, बोलना स्वयं प्रमाद ये है। आहार करने में प्रमाद नहीं, जल्दी जल्दी हमने देख नहीं पाओ जी का कीड़ा है, देख आहार करने में प्रमाद नहीं है, आहार करना ही प्रमाद है। कितनी उत्कृष्ट दृष्टि होगी, कितना उत्कृष्ट लक्ष्य होगा, उद्योगी की हिंसा के नाम पर हिंसा के उद्योग मत करो। उद्योगी हिंसा के नाम पर हिंसा के उद्योग मत करो, विरोधी हिंसा के नाम पर हिंसात्मक विरोध मत करो, आरंभी हिंसा के नाम पर हिंसा के आरंभ मत करो। तो आरंभी, अरे भैया संकल्प पूर्वक जब हिंसा का त्याग हुआ है तब ये तीन हिंसा बच गई, अभी छूट नहीं पाई, ऐसे ये प्रमाद इतना बच गया है। अब तुम कहो बोलने में प्रमाद है, वो भूल गए, वो ध्यान नहीं रहो, हम कहा बोल गए, हमें ध्यान नहीं, हमको सामने आए सो बोल रहे, भैया जमा करियो, काहे की जमा करियो जी, ऐसा बोलना होता है। उठाने धरने में प्रमाद नहीं है, उठाना धरने ही प्रमाद है। ऐसे सूख जाओ ऐसा नहीं है, मलमूत्र के त्याग में, मल विसर्जन में त्याग नहीं, प्रमाद नहीं है, मल विसर्जन को ही त्याग हो, निर्मल स्वभाव पर दृष्टि है ना, निर्मल दशा का लक्ष्य है। शास्त्र में तो बहुत इशारा है, थोड़ा सा बाद बाकी आपको करना है, आपको उसका चिन्ह मम परम विशुद्धि भवतु, कैसे समयसार व्याख्या हुआ, समयसार की इतनी व्याख्या करो कि परम विशुद्धि की ओर बढ़ते चले जाओ, हमारी परिणति भीतर चली जाए, स्वरूप में रम जाए, विकल्प छूट जाए। ज्ञायक महिमा सुनते सुनते बस ज्ञायक मय जीवन हो गए और आगे विलय हो गए। प्रमत्त से अप्रमत्त की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पर से स्व की ओर। ये चश्मा ऐसे ही पटक दो तो बड़ा प्रमादी है, वहीं छोड़ आया चश्मा, जगह वहां रखो जहां चश्मा की जगह, तो चश्मा की तो जगह है और उपयोग की कोई जगह नहीं, हमारी कोई जगह नहीं, हम चाहे कहूं बैठेंगे, चाहे कहूं उठेंगे, चाहे जो करेंगे।
स्वाश्रित चर्या के लक्ष्य से विवेक पूर्वक जब चर्या होती तो परमाचर्या का अभाव होता, और जब विवेक ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है, अपने ठीक है तो परमात्मा तो होगा ही, अनचाहे होगा ये समझ लो, नहीं चाहोगे तो हाल भूल जाओगे, हाल ध्यान नहीं रहोगे, हाल छूट जाओगे, हाल फिर आ जाओगे, हाल लेट हो जाओगे, विचारना। ओम नमः। देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वर।